भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्पीच करते हुए 5 बड़े नुक्ते उठाए, उन पे भी बातचीत हम मेजर गौरव आर्या जी के साथ आज करेंगे। और पंडितों की जो टारगेटेड किलिंग है जम्मू कश्मीर में, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में इमरान खान ने 13 अगस्त को जयशंकर जी की एक वीडियो प्ले की और ये बताने की कोशिश की कि भारत कितना इंडिपेंडेंट है और पाकिस्तान अभी तक गुलामी की जंजीरें पहने हुए है। मैं स्वागत करता हूँ चाणक्य फोरम के रूहे रवां जनाब मेजर गौरव आर्या जी का दिल्ली से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े। सबसे पहले तो हम उस दुख भरी घटना से बातचीत शुरू करते हैं कि जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी इम्पॉर्टेंट तकरीर, मगर हिंदू पंडितों की टारगेटेड किलिंग जो है वो कश्मीर में हो रही है, जिससे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स भी हमें सोशल मीडिया पे पंडितों की तरफ से नज़र आ रही हैं, वो हमें ठीक लगता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, मैं सब ये जो कैंसर है टेररिज्म का, एक्सट्रीमिज्म का, ये कोई ओवर नाइट तो जाने वाला नहीं है। आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? देखिए ताहिर साहब, इसमें दो तीन चीज़ें हैं और जो मैं कहूँगा वो हो सकता है थोड़ी सी अनपॉपुलर हो। पहली चीज़ तो ये, आप भी और मैं भी, हम लोग पंडितों के साथ खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी चीज़ है कि पंडितों को एक लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए वहां पे। लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि सरकार के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक इंसान को सिक्योरिटी दे, ये फिजिबल है ही नहीं, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आप पूरी की पूरी इंडियन आर्मी लगा दीजिए वहां पे, पूरी की पूरी सीआरपीएफ, मैं कह रहा हूं पूरे देश से इंडियन आर्मी, 13 लाख की फौज आपकी इंडियन आर्मी, 13 लाख आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो मैं ये बताता हूं कि इससे पाकिस्तान चाहता क्या है। ये सिर्फ बात जिहाद की नहीं है, ये रेडिकल इस्लाम की बात नहीं है, ये सिर्फ बात यहां तक महदूद नहीं है कि हम जब पंडितों को उनके ऊपर अटैक्स करेंगे या उनको मारेंगे तो वो भाग जाएंगे वहां से और कंप्लीट इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर वैली। कश्मीर वैली इस्लामाइज तो हो ही गई है, और कितनी इस्लामाइज होनी है, 99% तो मुस्लिम है वहां पे, और कितना होना है वहां पे, हो ही गए, अब एक परसेंट बाकी है, वो भी कर दो। दैट इज नॉट द पॉइंट। द रीजन व्हाई दे डू दिस टारगेटिंग ऑफ कश्मीरी पंडित, देखिए अगर आप डेटा देखेंगे, मैं सिर्फ डेटा की बात कर रहा हूं, ये हर उसको टारगेट करते हैं जिसको लगता है कि इंडियन स्टेट के हैं, और सबको टारगेट करने का मकसद इनका अलग अलग है। पहले हमें मकसद समझना पड़ेगा, माइंडसेट क्या है, और मैंने इसके ऊपर बड़ी डीप स्टडी करी है। मैं हर महीने कश्मीर जाता हूं, अभी भी जाने वाला हूं मैं कुछ दिनों के बाद कश्मीर। तो ताहिर साहब मेरी ना इसमें बड़ी डीप स्टडी है सर, और मैं आपको बताता हूं डीप स्टडी में है क्या मामला। यह सबसे पहली चीज, ये कौन से कश्मीरी मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा किसको मारते हैं और क्यों मारते हैं, और इसके नतीजे वो क्या चाहते हैं कि हमारे मारने से क्या नतीजे निकले। सबसे पहली बात, जो कश्मीरी मुस्लिम पुलिस वालों को मारते हैं वो इसलिए मारते हैं क्योंकि उन्होंने खाकी वर्दी पहनी है, एंड अ कश्मीरी पुलिसमैन इज अ सिंबल ऑफ द स्टेट, वो इंडिया का सिंबल है वहां पे, लॉ एंड ऑर्डर का। जो बीट कॉन्स्टेबल है, ही इज द लॉ, उसके हाथ में चाहे लाठी हो, उसके हाथ में हथियार ना हो, ही इज द लॉ उस सड़क पे, उस गली पे, उस नुक्कड़ पे, ही रिप्रेजेंट्स इंडिया, ही रिप्रेजेंट्स द लॉ, तो उसको मारते हैं। ठीक है सर, आपने देखा होगा ये आर्मी पे अटैक्स नहीं करते इतने, इनको पता है, ये निहत्ते पुलिस वालों को मारते हैं, ग्रेनेड फेंक दिया, सीआरपीएफ चुपचाप आए, फेंक के भाग गए, इस टाइप के कायराना हरकतें करते हैं। अच्छा, अब ये बाकी जो सिविल सोसाइटी के मुस्लिम्स हैं, जो प्रो इंडिया की बात करते हैं, ये उनको मारते हैं, उनको मारने का क्या कारण है इनका? उनको इसलिए मारते हैं कि देखो तुम मुसलमान हो, तुम पाकिस्तान के लिए बात करोगे, अगर तुमने इंडिया के लिए बात करी तो फिर यू आर गॉन। ये मैसेज ये लोग पास कर रहे हैं मुस्लिम्स को, मारते हैं। कितने मुसलमानों को इन्होंने मार दिया, वो जितने भी जेएनके पुलिस के मरे थे सबके सब तो मुस्लिम थे, जो नमाज के बाहर आए वो जिनको मार दिया, और जो वो उसका नाम भी पंडित ही था, वो डीएसपी था, जिसको मस्जिद के अंदर ही मार मार के जान से मार दिया उसको, और ऐसे कितने नाम हैं। अब मैं आता हूं पंडितों को क्यों मार रहे हैं, पंडितों को, इनको जो पंडितों को टारगेट कर रहे हैं ना, इसके तीन रीजन है। नंबर वन रीजन,
कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट इस्लामाइजेशन ऑफ द वैली, नंबर वन. नंबर टू, पंडित वहां से भाग जाएं जो पॉइंट वन से कनेक्टेड है, है ना. दे वॉन्ट टू से दैट कश्मीर इज ओनली फॉर मुस्लिम्स, यहां पे सिख वेलकम नहीं है, यहां पे क्रिश्चियन वेलकम नहीं है, यहां पे हिंदू वेलकम नहीं है, और खासतौर से पंडित तो बिल्कुल ही वेलकम नहीं है. तो ये बात तय है. ये क्या चाह रहे हैं कि इसको कम्युनल कलर देना, हिंदूज की टारगेटिंग करना, ताकि जो बाकी हिंदुस्तान में कश्मीरी हैं, जो बच्चे हैं, जो कश्मीरी स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, उनके ऊपर लोग गुस्सा निकालें, उनके ऊपर भड़क जाएं और एक दो की पिटाई कर दें या और मामला गंभीर हो जाए. ये टेररिस्ट चाहते हैं. दिस इज देयर प्लॉय कि मारते रहो हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को मारते रहो, तो हो सकता है बैंगलोर में इसका रिपरकशन हो सकता है नोएडा में इसका रिपरकशन हो सकता है कोटा में, जहां पे कोचिंग चलती है राजस्थान में, बड़ा फेमस सेंटर है कोटा, हो सकता है वहां पे इसका रिपरकशन हो. ये प्रेशर पॉइंट्स बना रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा. अब जहां तक पंडित भाइयों की बात है, मुझे देखिए बात यह है कि कमी तो है सिक्योरिटी में, इसमें कोई शक नहीं था सब. अगर मैं बोलूं कि एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज नॉट फाइन, लेकिन मुझे लगता है कि अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का भरोसा करना चाहिए. इसमें भी तीन पहलू हैं. नंबर वन, डीरेडिकलाइजेशन, राइट. नंबर टू, आपको डायरेक्टली ये प्रॉब्लम अगर पाकिस्तान से है तो आपको पाकिस्तान में सॉल्व करनी पड़ेगी. आप कश्मीर में, श्रीनगर में सॉल्व कर रहे हैं. आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस फर्दर, पीपल नो माई व्यूज. आपको प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर सॉल्व करनी पड़ेगी. और तीसरी चीज, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पंडितों को हमें बोलना पड़ेगा कि आप रहो एंड आर्म योरसेल्व्स, हथियार पकड़ो, ठीक है, हथियार पकड़ो. और एक हाथ, हर समय पंडितों ने ना हाथ में कलम पकड़ी है. ये कम्युनिटी ऐसी है पढ़ने लिखने में बहुत शार्प, बहुत तेज, पढ़ाई लिखाई में एजुकेशनिस्ट इसमें से कई पैदा हुए हैं, और एजुकेशन में बहुत सरस्वती माँ में बिलीव करने वाले कश्मीरी पंडित. दे आर वेरी यू नो हार्डवर्किंग इन दैट सेंस, पढ़ाई लिखाई में. मैं कश्मीरी पंडित जो भाई बहन है, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना, अब हथियार पकड़ने का वक्त आ गया है. सरकार तो है ही, जो सरकार कर रही है, टेररिस्ट है, लेकिन जो आपको टारगेट कर रहे हैं ना, उसको ये पता होना चाहिए कि आपके पास भी हथियार है, वापस लड़ने का वक्त आ गया है. आप, और मैं समझता हूं, मेरे लिए बड़ा आसान है, यहाँ पे ना नोएडा में बैठा, मैं बड़ा सेफ है, हमें कोई कुछ नहीं कह रहा. तो मेरे लिए कश्मीरी पंडितों को ऐसे ज्ञान देना तो बड़ा आसान है कि नहीं, आप लड़ो और हथियार ले लो. बट जितने भी कश्मीरी पंडित है, वो मैं उनके लिए कितना प्यार है, कितनी इज्जत है, कितनी मोहब्बत है, मुझे कश्मीरी पंडितों को बताने की जरूरत नहीं. सब जानते हैं कि मेरे व्यूज क्या हैं, और मैं खुल के कश्मीर में जाके ये बोलता हूं कि मैं कश्मीरी पंडितों की कितनी इज्जत करता हूं, कितना प्यार करता हूं, और उनके लिए दिल में कितनी इज्जत है. ये कहने वाली बात नहीं है, वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूं, ठीक है. लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप चले जाएंगे दोबारा यहां से जम्मू, तो टेररिस्ट विल सक्सीड. तो इसका क्या मतलब है कि क्या आप अपने भाई बहन माँ बाप इनकी कुर्बानियां देते रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनकी कुर्बानियां दें, लेकिन कहीं ना कहीं वापस लड़ना पड़ेगा. एंड यू हैव टू फाइट वायलेंस विद वायलेंस. कहीं ना कहीं अगर टेररिस्ट गोली चलाए और कश्मीरी पंडित की तरफ से गोली वापस चलती है सेल्फ डिफेंस में, तो इनको भी पता लग जाएगा कि बॉस ये ऐसे नहीं है कि आप घर में गए, घुसे और मार दिया आपने. तो मैं सरकार से भी यही अपील करूंगा, और वहां पे सिन्हा साहब हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, मैं उनसे भी अपील करूंगा, सर आर्म द कश्मीरी पंडित, आर्म देम, गिव देम ट्रेनिंग. वहां पे इंडियन आर्मी है, आप कश्मीरी पंडितों, जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनको पकड़िए, इंडियन आर्मी को बोलिए वहां पे ट्रेनिंग दें उनको, और उनको वेपन्स दीजिए सर. अगर आपको उनको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स देने हैं, ये सिंगल बोर राइफल नहीं, अगर आपको उनको AK-47 देनी है, तो उनको लाइसेंस दीजिए एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, प्रोहिबिटेड बोर. कश्मीरी पंडितों के घर में डालिए AK-47, डालिए उनके पास पिस्टल्स, और फिर आने दीजिए टेररिस्ट को. ये भी जब गोली चलाएंगे तब पता लगेगा कि आप ऐसे किसी पंडित के घर में घुस के मार नहीं सकते उसको ना, वहां से भी रिस्पॉन्स आएगा. मैं ये चाहता हूं, आई एम कॉलिंग फॉर द आर्मिंग ऑफ कश्मीरी पंडित, ठीक है. मैं सिर्फ ये कह रहा कि नहीं, आप मत छोड़ो, आप जम्मू मत जाओ, ऐसे मरने के लिए कौन रहेगा वहां पे, राइट. आपको कुछ ना कुछ तो उम्मीद देनी पड़ेगी. उम्मीद क्या है? पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन, नंबर वन. नंबर टू, इंटरनल सिक्योरिटी को और जरा टाइट करेंगे, डीरेडिकलाइज करेंगे, एंड आर्म द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी. पंडितों को बुलाइए, आर्मी के कैंप्स में भेजिए, एक एक दो दो महीने की AK-47 की ट्रेनिंग देंगे उनको, और उनको दीजिए आप हथियार, दीजिए. हर कश्मीरी पंडित घर में एक एक दो दो AK होनी चाहिए, और उसको लाइसेंस मिले सरकार से, उसको ट्रेनिंग मिले कि भाई इस तरीके से चलानी है. उनकी विमेन जो हैं, औरतें हैं कश्मीरी पंडित, जो हमारी बहनें, उनको ट्रेनिंग मिले. फाइट बैक, आपकी जमीन है, आपकी मिट्टी है, ठीक है. ये तो लश्कर फश्कर जैश, ये तो अभी आए हैं,
आज से 5000 साल पहले, बिफोर रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ये जमीन किसकी है? तो पंडितों की जमीन है ना कश्मीर, ये सिर्फ पंडितों की जमीन है ना, तो वाई शुड पंडित लीव, ये अपनी जमीन क्यों छोड़े? पर हम उनको ये बोल देंगे कि आप ऐसी भिड़ जाओ, कैसे निहत्ता आदमी क्या से किस तरीके से भिड़ सकता है आतंकवादियों से? नहीं भिड़ सकता. इट इज रॉन्ग फॉर अस टू आस्क हिम फॉर दैट. सो आर्म देम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड आर्म कश्मीरीज, एंड देन जब टेररिस्ट को, ये बड़े बुजदिल होते हैं टेररिस्ट, आपने देखा होगा, ये जिस जेएनके पुलिस वाले को मारते हैं ना, देखते हैं कौन सा है निहत्ता है, कौन नमाज पढ़ के आ रहा है, कौन अपने बच्चे के साथ दुकान में जा रहा है, पीठ पे उसके 4 गोलियां मार दो. ये बहादुर थोड़े हैं. इनको बोलो कि तुम में अगर इतनी हिम्मत है, इतनी हिम्मत है तो राष्ट्र राइफल्स को करो ना अटैक, हम भी देखते हैं फिर कितना गुर्दा है तुम्हारा. वो नहीं करेंगे, ये बुजदिल हैं ये लश्कर वाले. तो आई थिंक इट्स टाइम टू आर्म द पंडित्स. देखिए मेरे साहब, आपने बड़ी अहम बातें की. ये बताइए कि आप जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें ये दिखता है यहाँ कनाडा अमेरिका में बैठ के कि पाकिस्तान अब उतना शायद इफ़ेक्टिव नहीं रहा इन्फिल्ट्रेशन करवाने में. तो क्या आपको लगता है कि ये कोई होम ग्रोन टेररिस्ट हैं, नंबर एक? और अगर ये बाहर से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं टेररिस्ट, तो फिर ये क्या इतना डीपली जानते हैं जिस तरह ये टारगेट कर रहे हैं प्रिसाइजली घरों को जाके? अगर ये होम ग्रोन टेररिस्ट हैं तो इस्लामाइजेशन का जो एस्पेक्ट है, हमने देखा कि गुज़िश्ता 3-4 साल से कश्मीर के हालात ओवरऑल बहुत बेहतर हुए हैं, बहुत डेवलपमेंट हो रही है, बहुत काम हो रहा है. तो आफ्टर ऑल ये जो टेररिस्ट वहाँ पे हैं, ये कश्मीर की ओवरऑल पॉपुलेशन की कितनी नुमाइंदगी करते हैं या कितना इनके खिलाफ हेट है कश्मीरियों के अंदर भी, जो कि आफ्टर ऑल ओवर 90% मुस्लिम्स हैं? तो इन फैक्टर्स को आप सर कैसे देखते हैं? ताहिर साहब, इसमें 2-3 चीजें हैं. सबसे पहली बात, आपने बोला कि पाकिस्तान कब उतना नहीं रहा. देखिए, पाकिस्तान के अंदर भी डीप स्टेट है, ये सपोर्ट करते हैं, और मस्जिदों में पाकिस्तान में जुमे की नमाज के बाद पैसे अभी भी कलेक्ट हो रहे हैं. अभी तो काफी हद तक उन्होंने बंद भी कर दिए एफएटीएफ की वजह से, लेकिन पैसे कलेक्ट हो रहे हैं, पहली चीज. दूसरी चीज, बॉर्डर पे इंडियन आर्मी लगी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, पर कभी कभी ऐसा होता है कि फौज भी नहीं रोक पाती. क्यों? सर्दियां आएंगे, आपने फेंस लगाए हैं, बर्फ गिरी, राइट? बर्फ गिरी, बर्फ हिली, पूरा फेंस एक साथ ले गई 200 मीटर का, रात को 2 बजे ले गई. अब है ही नहीं फेंस वहां पे, अगले दिन आपको फिर फेंस लगाना है. ये सब नेचर के जो बातें हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर. मैं जैसलमेर गया था, तो मैं बहुत पहले, 3-4 साल पहले की बात है, तो जैसलमेर में बीएसएफ वालों के साथ मैं बॉर्डर पे था. तो बीएसएफ के कमांडेंट साहब थे वहां पे, तो मैंने उनसे बोला कि, मैंने बोला साहब, ये इधर तो बीएसएफ है और पूरा फेंस है, ऐसा किस तरीके से हो सकता है कि पाकिस्तान से यहां पे लोग अंदर आ गए, राजस्थान से कैसे आ गए? तो उन्होंने मुझसे बोला कि मेजर साहब आइए, मैं आपको दिखाता हूं एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग. तो मुझे वो जो सैंड बगी होती है, जो बीएसएफ के पास बड़ी अच्छी वो इंपोर्टेड सैंड बगीज हैं, उस पर बैठाया मुझे. पोलारिस, आई रिमेम्बर, वो कोई कंपनी है उसका, उस पर बैठाया और मुझे बिल्कुल तार के पास ले गए. ताहिर साहब, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे तार जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, और सडनली एक सैंड्यून है बीच में. मुझसे कह रहे हैं कि परसों ये सैंड्यून नहीं था, ये कल रात बना है सैंड्यून. अब वो सैंड्यून बन गया बिल्कुल, ये जैसे ये फेंस है, फेंस के ऊपर सैंड्यून बन गया. तो पाकिस्तान से किसी को कुछ नहीं करना, उसको तारवार कुछ नहीं काटना, उसको पैदल चल के आना है, क्योंकि सैंड्यून है, तार के ऊपर सैंड्यून बन गया. अब वो 10-15 दिन के बाद अपने आप शिफ्ट हो जाएगा कहीं और. तो ये सब चीजें हैं जो कि यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट दीज थिंग. खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो रेडिकलाइजेशन हुआ है वो इंटरनेट से हुआ है. मैं कई बार बोल चुका हूं, आदिल अहमद डर जो पुलवामा का बॉम्बर था, वो लोकल कश्मीरी लड़का था जिसने सुसाइड बॉम्बिंग करी है. ही वॉज अ लोकल कश्मीरी, ही वॉज नॉट अ पाकिस्तानी. उसको किसने दिमाग में इतना जहर भर दिया उसके कि तुम जाओ और खुद को हमला करो, खुद को भी मार दो और 40 और को अपने साथ ले जाओ, ये किसने उसके दिमाग में डाला? तो बात यह है कि देर आर पीपल इन साइड पाकिस्तान हु ऑपरेट दी सेल्स टू रेडिकलाइज द कश्मीरीज, कभी इस्लाम के नाम पे. मैं तो एक ऑफिसर से मिला जिसने इतनी हैरानकुन बात बताई कि वो लश्कर ने भेजा था एक बंदे को, वो पंजाब का था, पाकिस्तानी पंजाब का, उसको लड़ने के लिए भेजा. क्या बोला? कि मुसलमानों को ना कश्मीर में नमाज पढ़ने की आजादी नहीं है, वो रोजे नहीं रख सकते. और ये 18-19 साल का था टेररिस्ट,
ये इसमें फायर हो गया बिल्कुल। इसने बोला कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं भी लड़ूंगा वहां पे, जिहाद लड़ूंगा, और हमारे मुसलमानों को ऐसा कर देते हैं वैसा कर देते हैं। ये रात को जंगल में सो रहा था, इसने अजान सुनी मस्जिद से, वो जंगल होगा बगल में, फिर ये रुका रहा, इसने फिर सुनी, इसने फिर सुनी, ये दो तीन दिन रहा जंगल में, इसने 5 बार अजान सुनी रोज। ये कहता यार ये तो झूठ बोल रहे हैं यहां पर तुम, यू अंडरस्टैंड। तो वहां पे क्योंकि पढ़े लिखे इतने लोग नहीं है, न्यूज के लिए इतना एक्सपोजर नहीं है, तो वहां पे लोगों को भेजने की कोशिश करते हैं, और जो नहीं भेज पाते, जो इंडियन आर्मी ने एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड लगा रखी है इंटरनेट का इस्तेमाल करके, कश्मीरियों को ये लोग रेडिकलाइज करते हैं। आप स्मार्टफोन देख लीजिए, साउथ कश्मीर में कई जो नौजवान है उनके स्मार्टफोन देख लीजिए, उसमें अलकायदा का मटीरियल पड़ा है, इस्लामिक स्टेट का मटीरियल पड़ा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर कई ऐसे हैं। कौन था कंडुएट पहले? जमातुल इस्लामी था कंडुएट, जमातुल इस्लामी था कंडुएट। अब मैं कोई बात बोलूंगा, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी का नाम लूंगा, तो फिर लोग बोलेंगे वहां पे जाके कश्मीर जाऊंगा, तो लोग एयरपोर्ट से ही फिर कि आप ये तो मेजर साहब आप गलत बात कह रहे हैं, और आपको नहीं पिछली बार एयरपोर्ट में पकड़ लिया दो लोगों ने कि मेजर साहब आपने ऐसा बोला, ये तो गलत है। फिर मैंने बैठा लाउंज में, मैंने उनको समझाया, मैंने बोला यार ऐसा ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, कह रहा हुआ था ऐसा। फिर मैंने बोला जब ऐसा हुआ था फिर आप कैसे बोल रहे हैं मैं गलत बोल रहा हूं, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बट ऐसी है पॉलिटिकल पार्टी, जमात इस्लामी के साथ एक खास पॉलिटिकल पार्टी है डायनेस्टी की, वो करती है, मिली हुई है इनके साथ, जमातुल इस्लामी के साथ। जहां पे जमातुल इस्लामी खत्म होता है और कहां पे हिजबुल मुजाहिदीन शुरू होता है, नोबडी कैन टेल। इनके कार्डर ही ऐसे इंटरलिंक्ड है वहां पे, तो ये सब चीजें चल रही है वहां पे सर। इट्स अ हाईली हाईली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन कश्मीर, इतनी आसान नहीं है, बट इसमें पाकिस्तान का 110% हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करवाता है, और जहां पे इन्फिल्ट्रेशन कामयाब नहीं होता, इंटरनेट का इस्तेमाल करके वो रेडिकलाइजेशन करवाता है, ड्रग्स भेजता है। ड्रग प्रॉब्लम एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, जो कश्मीरी अभी खुल के उसके बारे में बात नहीं करते, बिकॉज आई थिंक जैसे जैसे दिल्ली में है, जैसे यूपी में है, जैसे हिंदुस्तान में कहीं पे भी है, कश्मीर में भी देर इज अ स्टिग्मा अटैच टू ड्रग एडिक्शन। किस माँ बाप को अच्छा लगेगा कि बोलना कि मेरा बच्चा हेरोइन लेता है या कोकेन लेता है? ऐसा तो कोई माँ बाप नहीं बोलेगा ऐसे, बट ये प्रॉब्लम है, ये कश्मीर में भी ये ड्रग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको भी सॉर्ट आउट करना। ये दिस इज ऑल्सो नार्को टेररिज्म। श्रीनगर आप जाते रहते हैं, ना सिर्फ श्रीनगर में बल्कि वैली के बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी जाते रहते हैं, तो आपको जनरली फ़ज़ा कैसी दिखती है वहाँ पे भारत के हवाले से? चूँकि चीज़ें चेंज हो गई 370/35A की रेवोकेशन के बाद, डेवलपमेंट हो रही है, जो आम जनता है वो अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, तो कैसा आपको दिख रहा है लोगों का कमिटमेंट टू वर्ड्स लाइफ एज वेल एज कमिटमेंट टू वर्क विद मेन स्ट्रीम इंडिया? पहली चीज तो मैं ताहिर साहब जब भी कश्मीर जाता हूं, श्रीनगर जाना मेरी मजबूरी है क्योंकि एयरपोर्ट वहां पे है, बडगाम में एयरपोर्ट है। मुझे तो नहीं पसंद श्रीनगर, इट्स हाईली कमर्शलाइज्ड सर। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना मेरे दोस्त वहां पे गुस्सा हो जाएंगे, बट श्रीनगर में लैंड होके सर मैं सबसे पहले 40-45 मिनट में एयरपोर्ट से निकले सर, साउथ कश्मीर अपना आराम से सर, पुलवामा में बैठे हैं, अनंतनाग में बैठे हैं सर, या दूसरी तरफ चले जाएं, फंडवाड़ा चले जाएं, कुपवाड़ा थोड़ा और लंबा रास्ता है वो, वहां पे चले जाएं, बारामूला चले जाएं, ये जगह अच्छी है। श्रीनगर, श्रीनगर इज लाइक अ कोल्डर वर्जन ऑफ जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, वो वैसे ही है सर, वो कोई कश्मीर वश्मीर नहीं है श्रीनगर, वो बड़ा कमर्शलाइज है, मुझे नहीं ज्यादा पसंद श्रीनगर। खैर, Having said that, मैं आपको बताता हूं कि एक एक्सेप्टेंस है लोगों में कि अब ये जो पाकिस्तान ने चूरन खिलाया ना इनको, जो मंजन बेचा था कि जिहाद फी सबीलिल्लाह और ये होगा वो होगा और पाकिस्तानी फौज आएगी, इन लोगों ने देख लिया पाकिस्तानी फौज को हारते हुए, इन लोगों ने कारगिल में उनको मार पड़ते हुए देख लिया, इन लोगों ने देखा कि ये किसी तरीके से, तो पाकिस्तान के टीवी एंकर आज भी बोलते हैं कि वो पाकिस्तान जो कश्मीर में है, लोग अपने दरवाजे की चौखट में खड़े हैं, ताकते रहते हैं कि कब हमारे पाकिस्तानी भाई आएंगे और हमें आजादी। ऐसा कुछ नहीं है, ये पाकिस्तानी मीडिया का ड्रामा है, कोई इनकी ताकत नहीं, इनके पास पैसा ही नहीं है कुछ करने के लिए पाकिस्तान के पास, और भिखारी की राह कौन देखता है सर। पाकिस्तानी स्टेट की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट कॉमेंटिंग ऑन कॉमन पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी स्टेट की बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी फौज की भिखारी की राह कौन देखता है, कोई नहीं देखता इनकी। द पीपल ऑफ कश्मीर हैव एक्सेप्टेड कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, नाउ दे आर वर्किंग टुवर्ड्स देयर ओन प्रोग्रेस। सरकार भी वहां पे सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है, बाहर वाले मुल्क भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं चाइना को भी पता लग गया है, एंड चाइना ने भी पाकिस्तान को एक सिग्नल दे दिया है, डायरेक्टली सिग्नल दे दिया है कि थोड़ा सा ना कश्मीर पे
इतने ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाया करो हर रोज कश्मीर कश्मीर। हाँ बाहर जाओ बकवास कर लो अपनी, यूनाइटेड नेशंस को स्पीच वीच देनी है, लेकिन ये टेररिज्म मत करो। और पाकिस्तान को भी सर अभी इंपैक्ट ये पड़ रहा है क्योंकि एफएटीएफ से ना दे हैव लॉस्ट अराउंड $35 बिलियन इन एफएटीएफ, और अभी कोई ऐसा इम्कान नहीं है, कोई ऐसा इंडिकेशंस नहीं है कि वो निकल जाएंगे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से, तो उनको प्रॉब्लम तो है। देखिए ये बात सच है, दे हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। तो दिस इज समथिंग दैट आई वांट द लोकल पीपल ऑफ कश्मीर हैव टुडे अंडरस्टूड कि ये सब झूठी बातें हैं जो पाकिस्तान का है, प्रोपागेंडा है। दे हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इंडिया इज, दे हैव स्टार्टेड मिक्सिंग अप विद द मेन स्ट्रीम, और लोग आ रहे हैं सर आर्मी की भर्तियों में और नौकरियों में, इंडस्ट्रीज खोलने की बात चल रही है, बिजनेसेस फ्लरिश कर रहे हैं वहां पे। इस बार तो बंपर सीजन था टूरिज्म का सर, बंपर सीजन था, मतलब होटल के कमरे नहीं मिलते वहां पे, 5-star होटल्स हैं सर बड़े बड़े, आपको रूम नहीं मिलेगा वहां पे, मिल के नहीं देगा रूम आपको, तो इतना ज्यादा वहां पे है। तो इट विल टेक टाइम सर। क्या कश्मीर की सिचुएशन नॉर्मल है? बिल्कुल नहीं है, देर आर सीरियस प्रॉब्लम इन कश्मीर, लेकिन पहले से बहुत इंप्रूवमेंट है 370-375 से हटने के बाद, इंप्रूवमेंट है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है सर ग्राउंड में, बहुत ज्यादा, इट्स विजिबल इंप्रूवमेंट। आपने बड़ी अहम बात की कि इसको वक्त लगेगा, क्योंकि ये जो 70 साल का एक्सट्रीमिज्म का टेररिज्म का कैंसर है, वो हम एक्सपेक्ट करें कि जस्ट बाय रेवोकेटिंग आर्टिकल 370-35A ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। मगर ऑन द अदर हैंड, जैसा आपने कहा कि कई सालों से इवन कोविड के आखिरी जो बड़े सख्त दिन थे, इवन उन दिनों में भी कश्मीर में टूरिज़्म चल रहा था, और टूरिज़्म इतना ज़्यादा है, डेवलपमेंट हो रही है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लोग लाइफ को एक नॉर्मल तरीके से देखना चाहते हैं। मगर वो जो नॉर्मेलसी है, कंप्लीट नॉर्मेलसी, इतने बड़े 70 साल के कैंसर के बाद आने में भी कंप्लीट नॉर्मेलसी को टाइम लगेगा। मेरे साहब, बात हम अब 14 अगस्त 15 अगस्त के साथ जोड़ते हैं, और पाकिस्तान में 14 अगस्त के मौका पर जलसा करते हुए इमरान खान ने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब का एक वीडियो चलाया, जिसमें उन्होंने एक फोरम पे बात करते हुए कहा कि भारत अपने फैसले खुद करेगा ऑयल के ख़रीद के मामले में, और उसमें इमरान खान ने बताया कि ये कितना ही इम्पॉर्टेंट है भारत का मामला। उसके साथ साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच में कहा कि हम जो हैं अब इकोनॉमिक्स बेहतर करेंगे, अगर पाकिस्तान एटॉमिक पावर बन सकता है तो इकोनॉमिक पावर क्यों नहीं बन सकता, ये उनका थीसिस था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन द अदर हैंड 15 अगस्त को बातचीत करते हुए डीकॉलोनाइजेशन ऑफ जो वो माइंडसेट है उसकी बात की, तरक्की की बात की, उन्होंने कहा कि भारत को आइंदा 25 बरस में डेवलप कंट्रीज में आना है, और उन्होंने ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें की। तो आप इन तीनों तकरीरों को अगर देखें तो उस रीजन में क्या हो रहा है, और कौन सा देश, कौन सी लीडरशिप कहाँ पे उस रीजन को लेके जाना चाहती है? ऐसा मुझे एक इमरान खान का क्या जुनून है, क्या फैसिनेशन है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, मुझे समझ में नहीं आती है। हर दूसरे दिन बंदा एक ही डायलॉग मारता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत पहले से अच्छी है, और मोदी जी के आने के बाद उन्हें स्टेरॉइड्स लग गए, तो अब वो जो 30 किलोमीटर पर आवर से भाग रही थी, अब वो 130 किलोमीटर पर आवर से भाग रही है। ये फर्क है, थोड़ी सी असर्टिव एक मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। देखिए इमरान खान साहब 3-4 साल रहे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, इमरान खान साहब ने तब रशिया से तेल क्यों नहीं लिया, मैं ये नहीं समझ पाया। ये वेट कर रहे थे कि शहबाज शरीफ बनेंगे प्राइम मिनिस्टर तब बोलेंगे। इमरान खान ने 4 साल में, जब 4.5-4 साल रहे वो, इन्होंने तब क्यों नहीं खरीदा रशिया से तेल, मुझे तो ये समझ में नहीं पाए। ये वेट कर रहे थे कि यूक्रेन का जंग हो तब हम डिस्काउंट मिलेगा तब तेल खरीदेंगे। इंडिया ने तो तब रशिया से तेल खरीदा था जब डिस्काउंट नहीं मिल रहा था तेल में। जब यूक्रेन की जंग हुई तब हमने पहली बार थोड़ा ना रशिया से तेल लिया, हम थोड़ा थोड़ा रशिया से तेल पहले भी लेते थे, राइट। हम थोड़ा थोड़ा तेल रशिया से पहले भी लेते थे, हमारे पास वो फैसिलिटीज थी, हमने बिल्डअप करी यहां पे फैसिलिटीज। ये चाह रहे हैं, मैं बता रहा, देखिए फायदा सब उठाते हैं,
इंडिया भी फायदा उठा रहा है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का, लेकिन एक अच्छा बिजनेसमैन और एक गिद्ध होने में फर्क है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेसमैन एंड अ वल्चर. ठीक है, इमरान खान वल्चर वल्चर बनने की बात कर रहा है कि जो बिल्कुल जमीन पे लेटा है उसको सर्कल करते रहो फिर उसका गोश्त नोच लो, ऐसा ये गलत चीज है. अगर इमरान खान रशिया से इतनी मोहब्बत करता है, मैं ये जानना चाहता हूं कि लड़ाई से पहले कितनी बार रशिया गया इमरान खान? 4 साल. अभी तो हर अपनी तकरीर में रशिया रशिया, इंडिया ने यह कर लिया, रशिया से तेल खरीद लिया, S-400 खरीद लिया. अरे भाई S-400 खरीद लिया, इंडिया को तेल पे डिस्काउंट मिला, S-400 पे डिस्काउंट थोड़ा ना मिला. S-400 और रशिया पे सैंक्शन तो अभी लगे हैं, राइट तारिक साहब? रशिया पे सैंक्शन तो अभी लगे हैं. मैं इमरान खान साहब से ये, और जितने भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बच्चे हैं जो ट्विटर पे लगे रहते हैं, फालतू के ट्रेंड चलाते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, आप लोगों ने क्यों नहीं कुछ खरीदा रशिया से? कपड़े ही खरीद लेते, हथियार खरीद लेते, कुछ ना कुछ तो खरीदते रशिया से. किस चीज का वेट कर रहे थे कि शहबाज शरीफ बनेगा प्रधानमंत्री, तब हम उसको ताने देंगे यहां से, तब हम उसको उल्टा सीधा बोलेंगे कि शहबाज तो चोर है, इसकी फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी, जयशंकर साहब को छोड़ दीजिए, वो तो भारत के लिए करेंगे जो कर रहे हैं. लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इमरान खान ने जो रूस का हर रोज गाने गाता है इमरान खान, उसने 4 साल में रशिया के साथ अपने जो डिप्लोमेटिक संबंध है, जो रिलेशनशिप है, उसको डेवलप करने के लिए क्या करा, मैं ये जानना चाहता हूं. उसने क्या खरीदा, उसने क्या खरीद लिया रूस से? गेहूं खरीद सकता था ना, गंदम खरीद सकता था, खरीदी उसने? नहीं खरीदी उस. मैं देखिए, तेल तो डिस्काउंट पे मिल रहा है सर, तेल डिस्काउंट पे मिल रहा है ना, हथियार थोड़े ना डिस्काउंट पे मिल रहे हैं. रशिया 10 चीजें और भी बनाता है, वो थोड़े ना डिस्काउंट पे मिल रही है. इमरान खान ने क्या करा? इमरान खान सिर्फ ये चाहता है कि अब रशिया फंस गया, इसकी मजबूरी का फायदा उठा के मैं भी. रशिया बेवकूफ थोड़ना है, रशिया इज नॉट अ फूल. और इंडिया पाबंदी किस पे? डॉलर पेमेंट्स पे है ना पाबंदी, इंडिया तो रुपीज करके कर रहा है. और अगर पाकिस्तान चाहता भी तो पाकिस्तान नहीं खरीद सकता था रूस का तेल, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है. ये पीटीआई के जो 17-18 साल के बच्चे हैं जो ट्विटर पे चलते हैं, जो फेक ट्रेंड्स चलाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बेटा आप एक बात बताओ, आपके पास पैसे नहीं है, आपको मुफ्त में कौन तेल देगा? वो तो सऊदी है, जिनको आप कहते हो कि जी असली में मुसलमान थे, तुसे भी मुसलमान, दे दो मुफ्त में तेल या रोल ओवर क्रेडिट कर दो, तो दे देते हैं. आपके पास तो तेल खरीदने के लिए नहीं है पैसे. आप सस्ता तेल खरीदने के लिए, रशिया आपको 50% डिस्काउंट पे तेल दे रहा है. मैं कहता हूं पाकिस्तान को 50%, लेकिन आपको रशिया को डॉलर्स देने पड़ेंगे ना, वो तो है नहीं आपके पास. आपके पास नहीं है, फिर जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो क्यों ये हर समय जलसे में ये बोलना कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया? अच्छा, ये तो इमरान खान की बात हो गई. अब हम शहबाज शरीफ की बात करते हैं. ठीक है, आपका मैं पूछना चाहता हूं, ताहिर साहब आपने क्या वो शहबाज शरीफ के बारे में आपने बोला था ना, मेरे दिमाग से बात निकल गई. जी, शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अब इकोनॉमिक पावर बनना चाहेंगे, अगर हम जौहरी ताकत बन सकते हैं तो इकोनॉमिक ताकत क्यों नहीं बन सकते? देखिए, ये झूठ बोलते हैं, ये कोई जौहरी ताकत नहीं है. पाकिस्तान सारे जंग हार गया, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, ये सारी अपनी लड़ाइयां हार चुके हैं. पता नहीं क्यों पाकिस्तानी अपने आप को झूठ बोलते हैं. जौहरी ताकत? कौन सी जौहरी ताकत? कौन सी जौहरी ताकत? 1965 की जंग क्यों हुई थी कश्मीर को आजाद करने के लिए, सो कॉल्ड, कि हम सब ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च करेंगे और अखनूर पे अपने टैंक दौड़ा देंगे और सब हम आजाद कर लेंगे कश्मीर को. क्या आजाद हो गया? नहीं हुआ ना. फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, कश्मीर तो भारत के पास है. फिर पता नहीं कौन सा दिन मनाते हैं, यौम है समथिंग और दी अदर, पता नहीं क्या क्या मनाते हैं पाकिस्तान में, कि हमने इंडिया को रोक दिया और बचा लिया लाहौर. लाहौर तो बचा बचाया था, ये लोग तो गए थे वहां पर छेड़खानी करने के लिए कश्मीर में. कहने की बात है, ये सब, ये कोई इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बन रहा सर, इनके पास कोई रोडमैप नहीं है. ये सब अपनी हैसियत से ऊंची बात करनी. शहबाज शरीफ का कल स्टेटमेंट आया है. क्या स्टेटमेंट आया है साहब? कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा रूस, सॉरी अमेरिका और चीन की दोस्ती कराने के लिए. अब देख लीजिए, ये इसको हमारे यहां कहावत है कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने. ये इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं ना कि आप, मैं माथा पकड़ लेता हूं अपना कि बॉस ये बात क्या कर रहे हैं ये लोग. ये अमेरिका और चीन की दोनों से पैसे मांग चुके हैं, अब कह रहे हैं हम दोनों की दोस्ती कराएंगे. अरे इनके एम्बेसीज हैं, ये 1960s नहीं है कि चीन से पैसे पकड़े, अमेरिका से पैसे पकड़े और इनका फोन कॉल अरेंज करवा दिया और मीटिंग अरेंज करवा दी. दिस इज 2022, ऐसा नहीं होने वाला. और यू सी, जो
प्रधानमंत्री जी ने बोला ना, अपनी जो तकरीर करी लाल किले से प्रधानमंत्री जी के, मुझे लगता है बड़ी उसमें दो चीजें थी जो मुझे बहुत पसंद आई। खैर पसंदीदा तो पूरी स्पीच थी उनकी, जबरदस्त स्पीच थी, लेकिन ताहिर साहब ऐसा है कि दो चीजें, एक तो उन्होंने जो बात करी ना, उन्होंने इंडिया को नेक्स्ट 25 ईयर्स का रोडमैप दे दिया। दिस इज द वर्ड, दीज आर द वर्ड्स ऑफ अ कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर बिलीव करते हैं कि आज से 25 साल के बाद भी बीजेपी की सरकार होगी। पॉलिटिकली स्टेटमेंट है कि हमने आपको रोडमैप दिया 25 साल का। और एक और उन्होंने बड़ी प्यारी बात करी जो मेरे दिल के बड़ी करीब है, ही स्पोक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका कर्तव्य क्या है। देखिए मैं एज अ फौजी ये चीज मानता हूं कि हक से बड़ा फर्ज होता है, मैं ये मानता हूं। लोग कहते हैं कि वही जो गाना है ना फिल्म का कि साढ़ा हक है तेरा, आई डोंट बिलीव इन दैट, मैं नहीं मानता ये। मैं मानता हूं कि आपकी देश के लिए ड्यूटी क्या है, पहले ड्यूटी करिए, हक आपको खुद ना खुद मिल जाएगा। यहां पे क्या है, हिंदुस्तान में बड़े लोग हैं, हमारी ये राइट्स हैं, हमारी ये राइट्स हैं, हमारी ये राइट्स हैं, बिल्कुल सही है, बट यू शुड ऑल्सो टॉक अबाउट ड्यूटीज वंस इन अ वाइल। और मैं ड्यूटी के बारे में ज्यादा बात करता हूँ, राइट्स के बारे में मैं कम ही बात करता हूँ। राइट्स को ऐसी बात नहीं कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं समझता, दे आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो व्हाई नॉट, बट आई थिंक ड्यूटी शुड ऑल्सो बी इंश्राइंड। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोदी जी से, अगर ऐसा हो जाए तो जबरदस्त, देश की किस्मत बदल जाएगी पूरी। और उन्होंने बोला कि चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे चीफ मिनिस्टर, सबको अपना जो ड्यूटीज है टुवर्ड द कंट्री वो समझनी चाहिए। बाकी पॉइंट्स दिए जो उन्होंने बोला कि ये जो एक मेंटल स्लेवरी है फ्रॉम द पास्ट कि आपके ऊपर रूलर्स रहे, इसको आप निकालिए, बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, ये सब जो बातें करी जो आप भी जिनका जिक्र कर रहे थे, आई थिंक दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये ना ये ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम ड्रॉइंग रूम्स में बात करते हैं, लेकिन लाल किले से आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला। मुझे लगता है कि जो हम लोग कभी बात करते थे ड्रॉइंग रूम के, ये कॉन्वर्सेशन उन्होंने नेशनल स्टेज पर रख दी है। और मुझे लगता है कि आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज रेंडर्ड ग्रेट सर्विस टू इंडिया बाय डूइंग दिस, उन्होंने बहुत खिदमत करी है मुल्क की ये बात कह के लाल किले से, बिकॉज वॉट एवर द प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स फ्रॉम द रेड फोर्ट इज नॉट अ स्पीच, इट्स पॉलिसी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है जो बयान कर रहे हैं वो। इसलिए मैं बहुत इससे खुश हूं स्पीच से, और मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के, बड़ा दिल को बड़ा सुकून मिला। बड़ी आपने अहम बात की कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ये बातें की तो ये बातें पूरी दुनिया तक पहुंची, भारत की पॉलिसी पूरी दुनिया तक इंसर्ट हुई। ऑन द अदर हैंड इमरान खान की जो बार बार भारत को एक तरह से एप्रिसिएशन है कोट अनकोट कि भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और पाकिस्तान नहीं है, ये कंपैरिजन अपनी जगह पर खुद बहुत फनी है। और आपने कहा कि इमरान खान जब तक रहे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रशिया से क्यों नहीं लिया कुछ, शायद इमरान खान भी इन सब बातों को समझते हैं मगर वो अपनी पॉलिटिक्स को चमकाना चाहते हैं दो तरह से, एक तो रशिया का जिक्र करके कि मैं गुलामी जो है वो आजकल उनका ये बहुत जोर है कि मैं पाकिस्तान को गुलामी से हमेशा से निकालना चाहता था और निकाल दूंगा अगर मैं दोबारा आ गया, जो कि उन्होंने 4 साल के दौर में तो कोई ऐसा काम नहीं किया गुलामी से निकालने वाला। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान ये जानते हुए सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं कि भारत का भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि भारत इंडिपेंडेंट है और हम नहीं हैं और रशिया के साथ हम जुड़ जाएंगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो इन एंगल्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए साहब, इमरान खान जो है ना वो चालाक है, वो बुद्धिमान नहीं है। इमरान खान इज कनिंग, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, ही इज नॉट एन इंटेलिजेंट मैन, ही इज अ कनिंग मैन, वो चालाक आदमी है। यहां से एक रुपए यहां से ले लिया, 3 रुपए यहां से मार लिए, इन सब चीजों में बड़ा तेज है। उसमें वो स्टेट्समैनशिप वाली बात नहीं है, वो विजनरी नहीं है इमरान खान। ये बार बार एक बात रिपीट करना कि अगर मैं दोबारा बन जाऊंगा तो मैं पाकिस्तान को आजाद कर दूंगा, आप हर दूसरे महीने IMF के पास भागते हैं, सऊदी के पास भागते हैं, आप आजाद कैसे? इमरान खान खुद कितनी बार भाग चुका है? मैं ये जानना चाहता हूं, छोड़ दीजिए इमरान खान कल आएगा, शहद की नदियां, दूध के झरने, ठीक है अचार की बोतलें, पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुनाता है वो, जो भी है। मैं तो सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं सर, जब ये 4 साल तक वजीर आजम था पाकिस्तान का, इसने पाकिस्तान को आजाद कैसे कराया? 4 साल में इसने कौन से 2-4-5 स्टेप्स लिए? जरा हमें भी समझा दे, हम भी समझ लेंगे। कुछ तो करा होगा इमरान खान ने 4-5 साल में। ये कहते जाब मैं ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने 2 चीजें करी हैं पाकिस्तान को खुद मुख्तार सोवरेन मुल्क बनाने के लिए, मैंने ये करा है।
मैंने दो चीजें करी हैं, मैं चार साल में ज्यादा नहीं कर पाया लेकिन दो चीजें तो मैंने कर दी, वो दो चीजें ही बता दें हमें, एक चीज को बता दें। ये सिर्फ वादे कर रहा है कि मैं चार साल में तो नालायक था, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं आगे मुझे चार साल और दे दो, मैं उसमें हो सकता है कोई तीर मार दूं। तो पता नहीं साहब कौन सा तीर मारेगा, ये कोई पॉलिसी हो, जयशंकर साहब की स्पीच चलाने से क्या होता है, ही शुड प्रेजेंट अ पेपर, पूरी कौम के सामने खड़ा और बोले कि मैं ये करूंगा, अगर मैं कहता हूं कि मैं पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाऊंगा, पाकिस्तान को आजाद बनाऊंगा, तो मैं ये पांच चीजें करूंगा और इस तरीके से करूंगा, ये एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की स्पीच देता है हर तीसरे दिन, तो मीडिया में आके ये भी बता दे कि भाई मैं कैसे करूंगा। अच्छा, हमें कर्ज नहीं लेना है, जब पाकिस्तान 2018 के पहले कई बार बोल चुका है ना सर कि कर्ज लेना नहीं, मैं कटोरे भीख नहीं मांगूंगा, आपको पता ही है इमरान खान की स्पीचेस हैं। जब इमरान खान 2018 के पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वो डेली कहता था कि लो भिखारी हैं भिखारी हैं भीख मांगते हैं, मैं आऊंगा मैं तो मर जाना पसंद करूंगा, मैं तो खुदकुशी करना पसंद करूंगा लेकिन मैं भीख नहीं मांगूंगा। जैसे ही इसने हलफ उठाया अगले दिन ये भी कटोरा लेके शुरू हो गया भाई, आप समझ रहे मेरी बात, तो ये फिर कटोरा लेगा जब ये प्राइम मिनिस्टर आएगा, क्योंकि इसके पास और कोई चारा नहीं है। जो शहबाज शरीफ कर रहा है इमरान खान वही चीज करेगा, शहबाज शरीफ की का जो हाथ है वो पाकिस्तानियों की जेब में है, शहबाज शरीफ का जो हाथ है वो पाकिस्तानियों की जेब में है, इमरान खान की तरफ से फरागोगी का हाथ पाकिस्तानियों की जेब में है, लेकिन पाकिस्तानियों की जेब में किसी ना किसी का हाथ है, तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं साहब, इसमें से कोई ऐसा कोई तीर नहीं मार रहा पाकिस्तान के लिए, सब झूठ बोलते हैं। एक कोई बंदा इंटेलिजेंट सा खड़ा होकर पाकिस्तान से पूछ दे, इमरान खान से पूछ ले कि आप जो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, आप जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती है साहब, जरा बताएं हमें। ही शुड से ना कि सब मैं इस तरीके से मैं नहीं लूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, आते ही सबसे पहले इसने कटोरे लेके भागा ये कि जनाब इसने तो, अब ये बोल रहा है आर्मी चीफ क्यों बात कर रहा है इन सब चीजों के लिए, इसी ने आर्मी चीफ को बीजिंग भेजा था जनरल कमर जावेद बाजवा को कि साहब जरा पैसे की बात करके आओ, जब सऊदी ने पैसे मांग लिए थे, खुद काम करता है दूसरा करे तो बुरा है, खुद वही काम चार बार कर चुका है, तो ये सब ये अजीब और गरीब हरकतें करता है इमरान खान, और उसके जो फैन क्लब है इमरान खान को, जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, आई ऑल्सो डोंट थिंक दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वो ज्यादा कोई मुझे इनमें से कोई इंटेलेक्चुअल लगा नहीं ऐसा कोई कि जो पूछ भी सके इसको, ये सब एक सर ऐसा है ना कि मैं अगर आपकी इजाजत हो तो एक और मैं बात कह दूं। जरूर। ये प्रॉब्लम मैंने कई इस्लामिक कंट्रीज में देखी है, इनको लगता है कि कोई एक बंदा आएगा जो सब कुछ ठीक कर देगा, बस वो बंदा आ जाए, वो शख्स आ गया ना तो फिर तो दूध की नदियां और शहर के झरने और पता नहीं क्या क्या, इनको ये नहीं समझ में आता कि एक बंदा कुछ नहीं करता है, वो दिन लद गए, इंस्टीट्यूशंस आपको अच्छा बनाते हैं या बुरा बनाते हैं, मोदी जी ने इंस्टीट्यूशंस पे तो काम करा है बैठ के, पूरा फॉरेन ऑफिस जो जयशंकर साहब के साथ बैठ के तैयार करा है वो इतना मजबूत कर दिया है कि आज से 15-20 साल के बाद जब जयशंकर साहब रिटायर भी हो जाएंगे उसके बाद भी फॉरेन ऑफिस धड़ल्ले से करेगा, बिकॉज बेसिक्स ठीक है, जो घर की नींव है, जो घर के जो फाउंडेशंस हैं, आप उसको मजबूत नहीं करेंगे, एक आदमी आएगा जो कर देगा, अब इस वक्त तो एक आदमी उन्होंने पकड़ लिया इमरान खान नियाजी, तो नियाजी आएगा तो नियाजी ऐसा करेगा वैसा करेगा, अब ये स्टोरी सुना रहे हैं आपस में लोग। आखिर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उस विजन की तरफ फिर वापस आते हैं, बहुत अहम बातें की, जेंडर इक्वालिटी की बात पे उन्होंने बहुत जोर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आपने हमेशा बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम सिविक सेंस और रिस्पॉन्सिबल नेशन बनाने की बात है वो है, फिर जो उन्होंने कहा कि डेवलप्ड कंट्री बनेंगे इकोनॉमिक्स के अतबार से, मुआशरे के अतबार से, और फिर वो जो माइंडसेट ऑफ डीकॉलोनाइजेशन है उस पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया, करप्शन के ख़िलाफ़ बात की, लेकिन मैं भारत का जब सोशल मीडिया देखता हूँ, ख़ासतौर पर कोट अनकोट जो सेकुलर तबके हैं उनकी तरफ से देखता हूँ, तो वो तो किसी भी बात को मानते नहीं हैं, तो आप भारत में इस रवैये को क्या सिर्फ अपोजिशन का रवैया देखते हैं या उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, चूंकि वो लोग तो पॉलिटिक्स में भी डायरेक्ट नहीं हैं जो सोशल मीडिया पे सो कॉल्ड सेकुलर फिलॉसफी चलाते हैं, हालांकि सेकुलरिज्म का उनको खुद पता नहीं है कि असल सेकुलरिज्म होता क्या है। सर ऐसा है कि ये लोग, ये फ्रस्ट्रेशन है चुनाव लगातार हारने का, सर
इंडिया डेमोक्रेसी है, मोदी साहब गलत हैं, अगर मोदी साहब की पॉलिसीज गलत हैं, भाजपा बुरी, आप उनको हरा दीजिए, आप आ जाइए, चुनाव आप जीत नहीं पा रहे। क्यों नहीं जीत पा रहे? क्योंकि लोग आप पे भरोसा नहीं करते, लोगों को पता है झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसी कई कई पार्टीज हैं हमारी जो सिर्फ ट्विटर पे चलती हैं, उनका वोट बैंक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, वो पार्टीज ही ट्विटर पे चलती हैं, ट्वीट दागते रहते हैं सोशल मीडिया पे, ये हो गया वो हो गया। अरे सोशल मीडिया को मारो गोली, चुनाव जीत के दिखाओ, विन इलेक्शंस। अगर मोदी जी खराब है तो हरा दीजिए। हमने हमने रोका है क्या आपको कि मोदी जी को मत हराओ, अमित शाह जी को मत हराओ, भाजपा को मत हरा दो ना, इनको सबको हरा दो, इनको हराने का दम नहीं है। क्योंकि इन लोगों को, ये जो दिल्ली बंबई ऐसी ऐसी जगह में रहते हैं सर, खासतौर से ये जो तबके की मैं बात कर रहा हूं जिनका जिक्र आपने करा, दे आर नॉट इन टच विथ द एस्पिरेशंस ऑफ द कॉमन इंडियन। मोदी जी कहते हैं कि $5 trillion इकोनॉमी बनाओ, उन्होंने क्यों बोला कि व्हाई डिड ही स्पीक अबाउट वुमेन राइट्स? ही स्पोक अबाउट वुमेन राइट्स सिंपली बिकॉज विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन वुमेन इंडिया कैनॉट बिकम अ सुपर पावर। ये एक सिंपल गणित है। अगर आप औरतों को ये बोलेंगे कि तुम्हें सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं, तुम्हें सिर्फ किचन पे रहना है, भारत कभी अपार्ट फ्रॉम दी यू नो द क्रिमिनलिटी ऑफ सच अ थॉट, अपार्ट फ्रॉम दिस टॉक ऑफ वुमेन ओनली प्रोड्यूसिंग बेबीज और बीइंग इन द किचन, ये तो गलत है ही, ये थॉट, ये बहुत ही एक किसी बीमार दिमाग की थॉट है, अगर किसी में भी ये थॉट है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि भारत टॉप पे जाए, तो जो हमारी सिस्टर्स हैं, हमारी मदर्स हैं, उनके बिना नहीं जा सकता भारत टॉप पे। और मोदी जी को ये बात पता है, इसलिए मोदी जी ने बात बोली, उनको पता है विदाउट पार्टिसिपेशन। और जिस दिन आपका पूरा 100% पार्टिसिपेशन हो गया इंडियन वुमेन का इन आर इकोनॉमी, ये 5 नहीं सर, ये 15 trillion पे जाएगी इकोनॉमी, ये 5 पे नहीं, ये 15 trillion पे भी नहीं रुकेगी, उससे आगे। यू हैव टू गेट, ये एक सच्चाई है। और जितनी जल्दी भारत ये समझ ले, नारी शक्ति के बगैर वी कैनॉट मूव अहेड सर, इट्स इम्पॉसिबल। बहुत अहम बात की आपने कि ये जो भारत की इकॉनमी है ये 15+ trillion पे भी जा सकती है, जब भारत की बहनें माएँ इसमें इक्वली पार्टिसिपेट करेंगी, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी इस पॉलिसी में वाज़े तौर पर इन्विटेशन दिया है। मेरे साहब बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके, और आपका जो चाणक्य फोरम का एक नया हमने अंदाज़ देखा टेलीविज़न पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, आप बड़े अहम बड़े बड़े सेमिनार्स करना चालू कर चुके हैं और उसमें बहुत लोग आ रहे हैं। बहुत ही आखिर में चलते चलते ये बताइए कि इसका विजन क्या है, जो आपका ये जो एक नया आ रहा है शक्ल चाणक्य फोरम की। ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये चाणक्य डायलॉग्स हैं और हमने 6 अगस्त को करे थे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर NXE दिल्ली में, और हम सोच रहे हैं कि हर क्वार्टर प्लान यही कि हर क्वार्टर में जो इंडिया के फाइनेस्ट माइंड्स हैं, ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं, मिलिट्री के, फॉरेन अफेयर्स के, जियोपॉलिटिक्स के, उनको इनवाइट करा जाए और एक सेलेक्ट ऑडियंस को इनवाइट करा जाए, और ये लाइव हो, इन द सेंस की फिजिकल मीटिंग। अब ये यूट्यूब पे बहुत हो गया, तो यूट्यूब पे तो करते ही रहेंगे, लेकिन बहुत जरूरी है क्योंकि ये जैसे लोग हैं जो हमने इन्वाइट करे थे, दीज आर सम ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स इन इंडिया, और मुझे ऐसा लगता है कि द पीपल ऑफ इंडिया यू नो दे डिजर्व टू नो ये लोग क्या सोचते हैं, बिकॉज वेन यू लर्न यू शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चाणक्य डायलॉग्स हैं, चाणक्य डायलॉग्स हम करेंगे हर क्वार्टर, हम कोशिश ऐसी करेंगे कि हर क्वार्टर करें, और इसमें हमारा एम यही रहेगा, इंटेलेक्चुअल चर्न होना चाहिए, एक बात होनी चाहिए कुछ मैटर्स पे जो आपसे हमसे रिलेटेड हैं, पर आम मीडिया उसके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि हो सकता है बड़ा नीच वाला मामला है, ये सबके बस का भी नहीं है कि सब लोग इसको हजम कर जाएं। इट इज लाइक अ थिंक टैंक, चाणक्य डायलॉग एक किस्म का लाइव थिंक टैंक है, जहां पे टॉप माइंड्स आर डिस्कसिंग एन इश्यू। इंडिया के पास तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राइट? डज इंडिया नीड अ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर?
अगर चाहिए तो क्यों चाहिए, ताइवान को लेकर हमारी पॉलिसी क्या है, क्या हमारी पॉलिसी में कुछ फेरबदल, चाइना को कैसे रोकें, तो ये चीजें पब्लिक फोरम में मैं लाना चाहता हूं। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस, ये मेरा ये मताहिर साहब। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच ये जानकारी देने का, और मेरे साहब हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमें हर हफ्ते वक्त देते हैं। थैंक यू। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे मेजर गौरव आर्या साहब की, और इनका जो चाणक्य डायलॉग है, इनका जो थिंक टैंक है, अमेरिका और कनाडा में बसने वाले जो भारतीय हैं उनको पूरी सपोर्ट करनी चाहिए, इनके ऐप्स को डाउनलोड करना चाहिए। इसके साथ साथ आप हमारे टैग टीवी के जो ऐप्स हैं, एप्पल, एंड्रॉयड और रॉको, अमेज़ॉन पे आप डाउनलोड कीजिए, और आप हमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि हम इसी तरह के विचार आपके साथ शेयर करते रहें। आज का तजिया मेरे साथ और मेजर साहब के साथ देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.